दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस की मौत की खबर मिली है। सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जनरल रावत की पत्नी की भी इस पूरे हादसे में मौत की खबर सामने आई है। हादसे पर वायुसेना का बयान इस वक्त सामने आया है, जिसके बाद ये दुखद खबर वायुसेना ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि आज कर्नाटक के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में विपिन रावत और उनकी पत्नी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके बाद आज शाम ये एक बड़ी खबर सुनने में आई है, जहां पर सीडीएस विपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इस पूरे हादसे में सीडीएस की पत्नी की भी मौत होने की खबर सामने आई है। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, आज ये बड़ी खबर जहां सीडीएस की मौत की खबर मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया है अनुष्का, और ट्वीट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा था कि ये जो हादसा हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसमें जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल होंगे, और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि, और लगभग सभी की दुआएं भी यही थी कि जो सीडीएस बिपिन रावत जो इसमें शामिल थे, उनकी जो पत्नी इसमें शामिल थी और बाकी जितने भी अधिकारी शामिल थे, उनके लिए दुआएं करी जा रही थी कि ये सब सुरक्षित हों। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ट्वीट आया है, और उस ट्वीट में ये बताया गया है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी और उसके साथ करीब 11 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है, जिसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट के जरिए कर दिया गया है। तो अब जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो वो 11 जवान जो उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे, वो सब हमें छोड़कर जा चुके हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो श्रद्धांजलि है वो लगातार नेताओं की तरफ से, लगातार लोगों की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि ये हादसा एकाएक ये हादसा हुआ, अचानक से ये हादसा हुआ, और उसमें इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी सेवा देने वाले जो अधिकारी थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उसका जी नितिन, जिस तरह से आपने बताया कि 11 लोगों की मौत की खबर मिली है, वही इस पूरे हादसे में 14 लोग शामिल बताए जा रहे थे, ऐसे में जो बाकी के 3 हैं उनकी हालात को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए अनुष्का, 11 लोग अन्य हैं और इनके साथ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, मतलब 13 लोग ऐसे हैं जिनकी कैजुअलिटी की खबर जो है वो निकल कर आई है, और अभी एक कोई व्यक्ति बचा हुआ है जिसका जो ट्रीटमेंट है वो अभी चल रहा है, और वो कैप्टन वरुण सिंह है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी मिली है, और अब तक 13 लोगों ने अपनी जान इस पूरे हादसे में गवा दी है, ऐसा जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट वो निकल कर सामने आ रहा है अनुष्का, क्योंकि सुबेरे ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है वो करीब 80% तक जल गए हैं, तो 80% बर्न केसेस भी काफी समस्याओं भरे होते हैं, उनका इलाज हो पाना बहुत रेयर केसेस में ही ऐसे लोगों की जान बच पाती है, और कुछ उसी तरह से हुआ भी है कि जनरल बिपिन रावत जो कि 80% से ज्यादा जल चुके थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल तो ले जाया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है, उनकी पत्नी भी इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है, और इनके अलावा 11 अधिकारी जो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उनके भी मृत्यु हो गई, मतलब कुल 13 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई है, और एक अधिकारी जो है उनका जो इलाज है वो अभी चल रहा है। जी तो नितिन, जिस तरह से रक्षा मंत्री इस पर अपना बयान कल जारी करने वाले थे हादसे को लेकर, कल वो संसद में बयान अपना रखने वाले थे, ऐसे में चूंकि अब विपिन रावत की मृत्यु की खबर सामने आ गई है, इसमें 13 लोगों की मौत की अब खबर सामने आई है, तो क्या कुछ अपडेशन है, क्या कुछ अब बयान रहने वाला है, क्या कुछ उसकी पूरी रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो भी थोड़ी देर पहले गए हुए थे बिपिन रावत के आवास पर, वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, तो उसके बाद ही अनुमान लगाए जाने लग गया था कि कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी हो गई है, और बिल्कुल उसी तरह से हुआ भी कि जनरल बिपिन रावत की अभी जो मौत की पुष्टि हुई है इस हादसे में वो करी गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, बाकी के
जो अधिकारी हैं उनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है और उनकी पत्नी की भी मौत की पुष्टि हो गई है। अब आगे की जो रणनीतियां हैं, क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो संवेदना है, वो प्रकट करी जा रही है। और इस तरह से एक और बड़ी जानकारी है कि कल राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम भी होने थे, जिसमें स्वर्णिम विजय वर्ष का कार्यक्रम होना था विधानसभा के पास, और जनेश्वर मिश्रा पार्क में भी एक कार्यक्रम कल शाम को होना था। वो दोनों ही कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो गम का माहौल है वो है, क्योंकि पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिन्हें 2020 में सीडीएस, क्योंकि एक नया पद था, जो नया पद बनाया गया था और उस नए पद पे पहले बार किसी अधिकारी को असीन करवाया गया था, तो वो जनरल बिपिन रावत थे। सेना से जब वो रिटायर हुए थे तो उसके बाद सरकार ने नया पद बनाया सीडीएस का, और उसके बाद इन्हें चीफ डिफेंस सर्विसेज के पद पर तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरह से आज ये हादसा हुआ और उनकी मृत्यु हुई है, उसके साथ उनकी पत्नी और 11 और जो अन्य अधिकारी थे उनकी मृत्यु हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धांजलियों का सिलसिला है वो भी लगभग शुरू हो जाएगा। जी नितिन, जिस तरह से देखते हैं देश का एक जाबाज योद्धा 27वें सेना अध्यक्ष थे ऑपरेशन ऑल आउट में, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहले सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से हमारे बीच से जाना, किस प्रकार से देखते हैं देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? देखिए, जब जनरल बिपिन रावत रिटायर हुए थे तो सरकार ने ये बात कही कि एक इतना सम्मानित अधिकारी जिसने कई सारी लड़ाइयों में भारत का नेतृत्व किया है, कई सारी लड़ाइयां जीती हैं, ऑपरेशन ऑल आउट जैसे ऑपरेशंस में उन्होंने भागीदारी की है, वहां पर काफी बेहतर तरीके से काम किया है, तो उसके बाद सरकार ने कहा कि अब हमें एक नया नया पोस्ट क्रिएट करना है, और जिसका नाम था सीडीएस यानी चीफ डिफेंस सर्विसेज। और चीफ डिफेंस सर्विसेज के लिए सबसे पहला नाम अगर किसी का सामने आया था तो वो जनरल बिपिन रावत का था, और जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस देश का बनाया गया था पिछले साल 2020 में। उसके बाद लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लगातार सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके कार्यक्रमों में शिरकत करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, कैसे बेहतर किया जाए रक्षा विभाग को, उसको लेकर लगातार चर्चा विचार विमर्श जो चलना था वो लगातार चल रहा था। तो ऐसे में उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार बेहतर तरीके से काम किया था और कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से वो तमिलनाडु जा रहे थे एक डिफेंस कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, वहां पर उनका स्पीच था, उस कार्यक्रम के पहुंचने के दौरान ही रास्ते में जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिस तरह से 11 लोगों के साथ साथ उनकी जनरल बिपिन रावत की और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोसजनक है। और कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ जो सैन्य सेवाएं हैं हमारी देश की, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। जी नितिन, जिस तरह से मृतकों के बारे में जानकारी मिली है, वही बताया जा रहा है कि जो बाकी के शव हैं उनकी डीएनए जांच कराई जाएगी, ऐसे में अब क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, कुछ जो पार्थिव शरीर है उनका डीएनए जांच पहले ही कराया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस कदर ये जो बॉडीज थी ये इस कदर जल गई थी, इस कदर बर्न हो गई थी कि इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में जब इनका डीएनए टेस्ट कराया गया है तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चला है कि कौन सा शरीर किसका है, किस अधिकारी का है, किस अधिकारी का नहीं है। जनरल बिपिन रावत जब उनको रेस्क्यू किया गया था तो एक वीडियो भी निकलकर सामने आया था, जब उन्हें जवान उठा करके ले जा रहे थे, वो काफी गंभीर रूप से घायल थे, काफी जल भी चुके थे क्योंकि 80% जले हुए थे वो, और उनको ले जाकर रेस्क्यू करवा कर जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जितने भी बॉडीज थी वो जल गई थी, और इसी वजह से उनका डीएनए करवाया गया, उसके बाद पता चला कि कौन किसका शरीर है, किसकी डेथ हुई है, किसकी कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है। बाकी जितने भी शरीर अभी बचे, क्योंकि बस एक कैप्टन वरुण सिंह जो बचे हुए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है आर्मी हॉस्पिटल में, उनके अलावा बाकी जितने भी लोग थे 13 लोग लगभग सभी इस पूरे ही हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें मधुलिका जो कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी है वो भी शामिल हैं। तो ऐसे में डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा जितने शरीर बचे हुए हैं, और जानने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी बॉडी किसकी है। अनुष्का,
जी, तो नितिन जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं गंभीर सवाल भी उठता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हादसे की वजह रही है और क्या किन कारणों की वजह से ये पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, इसको लेकर अब एक कमेटी मतलब बोला जा रहा है कि जांच की जाएगी, कमेटी का गठन होगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हम सुबह से इस बात पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे थे और लगभग उन्हीं चीजों पर पुष्टि भी हुई है, जिसमें जब मेरी बात आज सुबह या फिर हम चैनल पर खबर चला रहे थे, प्राइम टीवी पर जब ये खबर चल रही थी, तो सबसे पहले इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया था कि कारण क्या था। देखिए, सबसे अहम कारण ये था कि विजिबिलिटी के कारण वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब फ्लाई कर रहा था तो उस दौरान जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम थी वहां पर। दूसरी चीज, ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पेड़ भी हैं, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा था कि जब ये हेलीकॉप्टर जब फ्लाई कर रहा था तो उस दौरान शायद पहाड़ से उसकी उसकी टक्कर हुई है, या फिर किसी पेड़ की डंठाल से भी उसकी टक्कर हो सकती है, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट का शब्द जो है वो कहीं ना कहीं इसमें यूज करना वो सही नहीं होगा, क्योंकि जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे और ये हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं लड़ाकू ये दूसरे देश से खरीदा गया है और इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा के सारे इंतजाम पुख्ता हैं, तो ऐसे में इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होना और इस पर कह देना कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है तो शायद ये गवारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें विजिबिलिटी की समस्या सबसे ज्यादा रही है, इसके अलावा कोहरे की और बादल की समस्या सबसे ज्यादा रही है और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो ब्लैक बॉक्स है हेलीकॉप्टर का, उसको भी रिकवर करने की कोशिश जो है वो आर्म फोर्सेस की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से जारी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं बताया गया। और ब्लैक बॉक्स में करीब 25 घंटे का जो बैकअप होता है वो लगभग रहता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान हेलीकॉप्टर का तापमान क्या था, कौन सी मशीन काम कर रही थी, कितना फ्यूल था, क्या चीजें थी, क्या चीजें नहीं थी, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है। अगर वो ब्लैक बॉक्स सेफ है तो जाहिर सी बात है उस ब्लैक बॉक्स से काफी चीजें जो है वो रिकवर की जा सकती है, काफी चीजें पता लगाई जा सकती है कि आखिर इस पूरे हादसे का कारण क्या है। अब देखना ही होगा कि ब्लैक बॉक्स कब तक रिकवर होता है और उससे क्या क्या चीजें जो है वो निकल कर सामने आती है। अनुष्का जी, तो नितिन आपसे आखिरी कमेंट और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये दुखद खबर सामने आई है, अब वायुसेना की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है जहां पर बताया गया है कि विपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ऐसे में अब जो अंतिम सलामी दी जानी है हमारे योद्धा को किस प्रकार से होनी है, इसको लेकर जानकारी कब तक आ सकती है? क्योंकि लगातार हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो भी अपडेट होगा वो अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी तक जो पता चला है कि अब बॉडी का जो पोस्टमार्टम या फिर जो पोस्टमार्टम होना है वो होएगा और उसके बाद बॉडी को दिल्ली लाया जाएगा, उनके आवास पर, उनका जो आवास है उस दिल्ली आवास पर लाया जाएगा, वहां पर जो लास्ट क्रिमिनेशन जो होता है बॉडी का वो किया जाएगा और इस दौरान जो अंतिम सलामी है वो भी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि कल जो वीवीआईपीज हैं उनका भी जमावड़ा जो है, क्योंकि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपिन रावत के आवास पर पहुंचे थे, तो बाकी के भी जो वीवीआईपीज हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी, हो सकता है कि कल जनरल विपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचे और वहां पर उन्हें अंतिम सलामी, अंतिम श्रद्धांजलि दी जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं जहां पर सीडीएस विपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है।